भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित युवा समागम यंग प्रोफेशनल कार्यक्रम के अंतर्गत समाज के बीच कार्य कर रहे ऐसी संस्थाओं के साथ साथ राष्ट्र सेवा योजना के ऐसे स्वयं सेवक जो वर्तमान में किसी संस्था के रूप में समाज में कार्य कर रहे हैं। गुना के यूथ मोटिवेटर जितेंद्र ब्रह्म भट्ट जो पिछले 15 वर्षों से युवा गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को समाज के बीच ले जाकर कार्य कर रहे हैं, उनको भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। जितेंद्र ब्रह्म भट्ट भी अपने छात्र जीवन में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक NYC एवं कार्यक्रम अधिकारी रह चुके हैं और जिले के ऐसे प्रथम युवा है जिनके पास AB एवं C प्रमाण पत्र है और 2 अंतर्राष्ट्रीय, 3 राष्ट्रीय और उनके अनेक सम्मान प्राप्त हैं। गुना के समन्वयक एवं स्वामी विवेकानंद ग्रुप का संचालन कर रहे हैं जितेंद्र ब्रह्म भट्ट ने मुख्यमंत्री जी को स्वामी विवेकानंद ग्रुप के कार्यों के बारे में संक्षिप्त में बताया, जिसमें विशेष अवसर पर पौधारोपण करें और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें। कल का कार्यक्रम हम मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए विशेष रहा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे युवाओं से अपेक्षाएं की और उम्मीद की है कि हम आने वाले समय में जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश बने उसमें अपना योगदान कैसे दे सकते हैं, तो एक बड़ा युवा समागम कर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले संगठन हैं और युवा हैं उनको आमंत्रित किया गया था। कल मुझे भी उसमें जाने का सौभाग्य मिला। मुख्यमंत्री जी की जो अगली योजना है वो बड़ी महत्वपूर्ण और हम युवाओं के लिए उसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा युवा नीति की घोषणा की जा रही है और उन्होंने इसका पूरा प्रारूप तैयार कर लिया, तो मैं समस्त युवाओं से आह्वान करता हूँ कि समय युवा नीति के लिए जो भी परामर्श लिए जाएँ या दिए जाएँ, जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आप किस तरह का मध्य प्रदेश चाहते हैं, अपने युवा के पास सुझाव उनको दें और वो इन सुझावों को अपने युवा नीति में शामिल कर सकें। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर इसी नीति की घोषणा की जाएगी, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने कहा। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हमारा जो मध्य प्रदेश है वो नशा मुक्त हो, हम यहाँ पे लिंग के आधार पर भेदभाव न करें और प्रतिदिन में जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं, क्योंकि हम मनुष्य हैं और हम जब इस दुनिया से जाएंगे तो हमारी सनातन परंपरा के अनुसार हमें एक वृक्ष अपने साथ ले जाएंगे, तो पौधारोपण को हम अपने जीवन में अपनाएं और नशा मुक्ति के लिए कार्य करें, ऐसे हम लोगों से आह्वान किया गया है। और मुझे राष्ट्रीय सेवा योजना के पूर्व छात्र होने के नाते इसमें शामिल होने का अवसर मिला और उनको ये भी पता है कि अभी मैं सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर खुद अपने ग्रुप के साथ काम कर रहा हूँ, तो हमें वहाँ आमंत्रित किया गया था। मैं पूरे NSS को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अवसर दिया। जितेंद्र ब्रह्म भट्ट, गुना से रणधीर चंदेल की रिपोर्ट।